आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, इसके लिए हम धन्यवाद तो देते ही हैं, लेकिन आपको विश्वास भी दिलाना चाहते हैं कि आपके समाज के लिए हम, हमारी पार्टी, राष्ट्र अध्यक्ष लालू जी हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहने का काम करें और कभी भी जो है कोई बात ऐसी ना आए जहां आप लोगों को जनप्रतिनिधि का मौका ना मिले। पिछले लोकसभा चुनाव में भी सबसे ज़्यादा टिकट जो है विश्वास समाज के लोगों को हम लोगों ने दिलवाने का काम किया और आप सब लोग विश्वास कर सकते हैं कि आने वाले विधानसभा में भी आप लोगों को पूरा सम्मान सहित जनप्रतिनिधि का मौका राष्ट्रीय जनता जगदेव बाबू जी ने जो शहादत दी, जो कुर्बानी दी, उनका नारा बहुत होता था, चलता था, पहली पीढ़ी जो है गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जो है जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी जो है राज करेगी। आज सभी समाजवादी नेता जितने रहे, जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर जी, लोहिया जी या लालू जी ने जो लड़ाई लड़ी, आज उसका नतीजा है कि आज हम लोग सीना ठोक करके जो है अपना अधिकार लेना जानते हैं और सामाजिक न्याय की लड़ाई जब तक पिछड़ा लोग गोलबंद नहीं होंगे तब तक पूर्ण तरह से जीता नहीं जा सकता। आज जो लोग मौजूदा सत्ता में जो लोग बैठे हैं, भाजपा एनडीए की सरकार लगातार संविधान को खत्म करने की बात करती है, चाहे उनके नेता हों, लगातार आरक्षण खत्म करने की बात की जाती है, सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है, बड़े चालाकी से आरक्षण को, पिछड़ों के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा केंद्र सरकार ने लेटरल बहाली करके चाहे IAS हो या IPS हो, बिना कोई परीक्षा के, बिना कोई आरक्षण के उन लोगों को बहाल करने जा रहे हैं। अगर हम लोग सजग नहीं होते, सबसे पहले मुद्दा राष्ट्रीय जनता दल हम लोगों ने उठाया था कि भाई बिना कोई परीक्षा के, बिना कोई UPSC के, बिना कोई सिविल सर्विसेज एग्जाम के, बिना कोई आरक्षण के कोई कैसे जो है IAS IPS बना सकता है। इन पैदान के साथ जो है खड़ा जो व्यक्ति है उनको मुख्य धारा में लाने का काम करना है। हमारी लड़ाई बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई की है और इसमें हमको आप लोगों का साथ चाहिए और आप सब लोगों ने पिछले चुनाव में साबित कर दिया कि आप लोग जो है एकदम संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए आप लोग गोलबंद होकर के आप लोगों ने वोट देने का काम किया। इसके लिए हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं।